हाय वेलकम बैक टू माय चैनल्स माइंड विद मुकेश। आपका स्वागत है मेरे इस नए सीरीज में। इस सीरीज का नाम है यू मी एंड ट्रेड। आज जो हमने जो टॉपिक चुना है, इस टॉपिक्स में जो हमने डिस्कस करना है वो ये है, हाउ टू मेक बिग प्रॉफिट्स कमिंग फॉर ट्रेडर्स। आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो है आज थर्सडे है और टुमारो इज फ्राइडे, उसके बाद मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये चार दिन का हमने ट्रेडिंग सेशंस को लिया है। इस चारों दिन के ट्रेडिंग सेशंस में आपको कैसे ट्रेडिंग करना है इसका हम प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको बताएंगे वो क्या है और कैसे करना है, राइट। क्योंकि आप अगर देखोगे लगातार जिस तरह से मूवमेंट हो रहा था, काफी लगभग वन वीक से जो मूवमेंट था, मोर देन 10 डेज आई वुड से, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट्स हो रहे थे जिसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। इंट्राडे करने के लिए बहुत कुछ था और लोगों ने काफ़ी कुछ बनाया, पैसा बनाया, मैं यही कहूँगा। और आज जो हम जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं वो लास्ट चार डेज के बारे में जो होने वाले कमिंग 4 डेज, उसमें आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना और कैसे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इसी पे हमारा डिस्कशन होने वाला है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने ट्रेडिंग्स को किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी के हिसाब से टेक्निकली प्रैक्टिकली आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। नाउ सीधा हम चलते हैं आपको चार्ट पे और वहां पे चल के देखते हैं कि लास्ट 10 डेज में क्या हो रहा है और कैसा हमारा चार्ट बता रहा है, राइट। सीधा आप चलते हैं हम चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर जैसे मीट कैप निफ्टी को हम सबसे पहले ओपन करके देखते हैं और यहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप को मेरा पिछला वीडियो को थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो आप उस वीडियोस को चल के जाके देख सकते हो कि उसमें हमने क्या कहा है। सेम वीडियोस होंगे लगभग और उसमें मैंने बहुत कुछ अपडेट किया था और आज फिर से मैं अपडेट करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा वीडियो हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा हो, जो हमारा वीडियो ऑलमोस्ट होता है, और वहां पे आपको बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाता है जिसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नाउ अगर इस जो भी टेक्निक आज मैं बताने वाला हूँ, इस टेक्निक को अगर टुमारो अगर आप यूज करते हो, क्योंकि कल सेंसेक्स का दिन है और सेंसेक्स एक्सपायरी है तो आप सेंसेक्स में काम कर सकते हो। नाउ अगर हम आज चार्ट्स को देखें, जैसे फर्स्ट चार्ट मिड कैप निफ्टी की हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखोगे यहाँ से लेके गिनती करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टेन डेज से, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट 10 दिन से क्या हो रहा है। हमारा ट्रेडिंग सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा और लगातार ऊपर की तरफ ही गया है। नाउ अगर बैंक एक्स की बात करूँ तो ये भी, अगर इसमें भी आप देखोगे तो इसमें 10 दिन से लगातार ऊपर की तरफ ही गया है, बट बहुत ही जिगजैग मूवमेंट्स इसमें रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको बहुत ज्यादा zigzag मूवमेंट भी दिखता हो तो वहां पे इंट्राडे के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलता है। नाउ थर्ड अगर हम फिर निफ्टी की बात करूं तो वे फिर निफ्टी में भी आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिले हैं। और जैसा कि हमने एक ट्रेडिंग सेशन बनाया था जिसमें ट्रेड लाइन्स मैंने बनाया और स्ट्रेट लाइन्स के हिसाब से ही ये ट्रेड ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। नाउ अगर आप ये देखोगे लास्ट 10 डेज का, इसमें आप देखोगे कि बहुत ज्यादा zigzag मौसम रहा है और इसमें इंट्राडे जितना भी आपको zigzag कैलेंडर दिखेगा उसमें इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है और उसमें पैसे भी बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ये बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से काम किए हैं और वो भी बहुत ज्यादा zigzag में रहा है। और जिस तरह से सपोज आजकल सपोज लेट्स एग्जाम्पल फ्रॉम डे वन से मैं अगर देखूँ इस कैंडल सेट के बाद को देखो तो आपको डेजी कैंडल्स बनाया है, फिर स्टार्स कैंडल्स की तरफ दिख रहा है क्योंकि ऊपर और नीचे लगभग बराबर है और फिर इस तरह से इन्वर्टेड हमर्स बन रहा है और इस तरीके से सारे कैंडल्स बन रहे हैं। अगर आप ये देखो कि ऊपर में खोल के नीचे गया फिर नीचे से ऊपर आया तो आपको इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ पे भी मिला है। सिमिलरली अगर आज का देखोगे लगभग में इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप एनालाइज करोगे, मैं आज करूंगा तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में इंट्राडे के लिए मिला है। ना अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो अगर निफ्टी में भी आप देखोगे तो इसमें आज का जो अपॉर्चुनिटी था बहुत अच्छा था जनरली, क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था तो इसके वजह से निफ्टी में अगर मूवमेंट्स आपको कैप्चर करने को थे
तो आप इसमें बहुत अच्छा खासा मोमेंट कैप्चर किया जा सकता है। हाँ, नाउ नेक्स्ट चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको जो सेटअप बताया था वो भी सुकून वाला सेटअप्स, उस सुकून वाला सेटअप्स में मैंने आपसे एक कहा था कि बहुत ज्यादा हाईली अगर मूवमेंट्स हो तो आप ऐसे मूवमेंट्स में कोई भी वो जो सेटअप्स है हमारा वो ना करें। अगर आपके पास बहुत अच्छा एडजस्टमेंट करने की स्किल नहीं है तो आप ना करें। नाउ दूसरा चीज हमने आपको सबसे बड़ी बात ये बताया था कि आपको किसी इस सेटअप्स में कैसे पैसा कमा सकते हो। नाउ बहुत सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है और मैं ये बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आने वाले ट्रेड्स में कल, क्योंकि कल सेंसेक्स का इस आज जो मैं देख रहा हूँ इस सेंसेक्स का ही एक्सपायरी है टुमारो। अगर ऑलमोस्ट आप देखोगे सेंसेक्स और निफ्टी, ये दो ऐसा इंडेक्स है जो बहुत ही सिमिलर पैटर्न्स बनाता है हमेशा। अगर आप निफ्टी की देखो तो निफ्टी का ये पैटर्न्स और सेंसेक्स का ये पैटर्न्स लगभग सिमिलर ही है। तो ऐसे आपको हर दिन का अगर आप इसमें देखोगे, इसके बाद ये देखो, इसके बाद इससे पहले देखो, तो आपको, चलो मैं पहले निफ्टी का दिखाता हूँ, तो आपको निफ्टी में देखोगे लगभग वही पैटर्न्स हैं। सपोज ये है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है, फिर रेड कैंडल है और ये भी डोजी कैंडल्स के लगभग बनाया, तो आप सेंसेक्स में देखोगे तो भी आपको उसी तरह से पैटर्न्स दिखेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे अपने ट्रेडिंग के स्टाइल्स को बहुत अच्छा कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्योंकि नाउ टुमारो इज सेंसेक्स, राइट, उसके मंडे को मींस कल एक दिन का ट्रेडिंग हमारे पास बचा हुआ, उसके मंडे को हमारे पास मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स और फिर निफ्टी, ये तीन बचेंगे। और बैंक निफ्टी, निफ्टी पे तो आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो ही, कैसे करते हैं मैंने उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो हो सकता है मैं इस पे भी वीडियो लेके आऊंगा और उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा उसमें ट्रेडिंग टेक्निकली कैसे हम काम करते हैं। नाउ सेंसेक्स की बात करूं तो अगर आप सेंसेक्स के आज की ही हम डिस्कस कर लेते हैं तो हम इसको ओपन करते हैं, क्योंकि निफ्टी आज हमारा एक्सपायरी था, तो निफ्टी को अगर हमने प्रैक्टिस किया तो आपको सेंसेक्स का प्रैक्टिस हो जाएगा क्योंकि सिमिलर पैटर्न्स दिखाता है। नाउ चलिए हम इसमें सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के बारे में, हमारा स्टॉक मार्क में चलते हैं, शायद स्टॉक मार्क आपके पास हो या ना हो, आप वहां पे जाके अपना स्टॉक मार्क पे ही अपना एक रजिस्टर कर लें, और हो सकता है कि अगर आपके पास इसका अगर प्रीमियम ले सकते हैं, इसका अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी चार्जेस होते हैं वो ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं, ताकि आपके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छा बन जाए, राइट। मैं यहाँ पे निफ्टी में हूँ और निफ्टी में जो हमने वो टाइम फ्रेम लिया वो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया और इसी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम काम करेंगे, राइट। चलिए हमने क्या किए हैं, 9 बज के और आज हमारा 20 मिनट्स पे हमें इस पे सेटअप्स लगाते हैं, क्योंकि ज्यादातर सेटअप्स हमारा 20 मिनट्स पे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट बस तरीका ये है कि हम इस पे सेटअप्स 20 मिनट्स का लगाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास एक राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि हमें इसमें कैसे काम करना है, राइट। चलिए हमने अगर 3 मिनट का लिया है तो हमारा ये 5 मिनट्स का जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैं ऑलवेज हमेशा बताता हूँ आपको, जब भी आप इस पे काम करते हो तो आप इसमें सबसे पहले, सपोज यहाँ से ऊपर से लेके नीचे की तरफ जैसे ही आता है, आपसे सबसे पहले एक लाइन खींचो यहाँ पे, तो आपको ये मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, ये हमारा ऐसा लाइन बाउंड्री लाइन है जहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो या तो हमारा SLA हिट हो सकता है, अगर नहीं जाता तो हमारा SLA हिट नहीं होगा, ये एक कंसर्न आपका बन जाता है। दूसरा, आप इस लाइन पे देखोगे तो एक लाइन और यहाँ पे खींच दो ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि इस लाइन के नीचे अगर यहाँ से जाता है तो हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है ताकि हम यहाँ से ट्रेड अच्छा खासा कर सकते हैं। नाउ हमारे पास ये ट्रेड लाइन्स बन के तैयार हो रहा है और अब हमने क्या किया है, 9 बज के 20 मिनट्स पे हमें जाना है, राइट। चलिए हम 9:20 पे आ जाते हैं और फिर हमारा ये सेटअप्स तैयार हो जाएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहली बात हमने क्या किया है आज, मैं वो चीज बता रहा हूँ, आज हमने क्या किया कि 9:15 पे आया, जैसे ही 9:20 पे आया मुझे लगा अब यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट्स बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो रहा है, उसके बाद दूसरा जो कैंडल है इसके शोल्डर्स के ऊपर से ही नीचे की तरफ आया, राइट। आप ये देखो नीचे वाले शोल्डर्स पे अगर तो डाउनवर्ड की तरफ में देख रहा है, जो आप, मैंने इससे पहले बताया कि पैटर्न्स, उस पैटर्न्स में मैंने आपको बताया था
कि व्हाइट क्रॉ और ब्लैक क्रॉ, ये दो तरह के पैटर्न्स होते हैं जो तीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे एक कैंडल्स बना है, दूसरा 5 मिनट्स के कैंडल्स के इसके नीचे से ही शुरू हुआ है, दैट मीन्स ये डाउनवर्ड जाने के लिए बहुत ज्यादा रेडी है। तो ये हमारे पास पैटर्न्स के हिसाब से समझ में आ गया, ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि हमें इसमें एंट्री बना लेना चाहिए। तो हमारा एंट्री किस तरह का बनना चाहिए यहाँ पे आप बता सकते हो। अगर ब्लैक क्रॉ यहाँ पैटर्न्स बन रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ, मैंने जब वीडियो बनाया था मेरी उस पे वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि बॉस ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स इस तरह के नहीं चलते हैं और ये बहुत पुराने चलते थे। मैं उन सभी ऑडियंस के साथ, सभी ऐसे बिगनर्स हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, मैं मुझे लगता है वो हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे, बट अगर आप बॉस, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास अगर चार्ट पैटर्न्स की समझ अच्छी खासी है तो आप के पास जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो जाता है, आप इम्प्रूव होते हैं और आपके ट्रेडिंग सेशंस भी बहुत अच्छा होता है। नाउ जैसे मैंने ब्लैक रॉक चार्ट पैटर्न्स की बात किया, तो आपके लिए एक टास्क होमवर्क बन जाता है कि जाके आप एक बार सर्च करो कि ब्लैक रॉक पैटर्न्स क्या होते हैं और चार्ट पैटर्न्स और उसको कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल बना 9:20 पे, तो हमारा एंट्री बन जाता है किस तरफ से, नीचे की तरफ में। तो हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल काम किया, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। मैंने क्या किया, एक बाय किया इस मोमेंट्स पे, हमने इसको बाय कर लिया और इधर पे इसका जो 3 अगर डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट ये बन जाता है हमारे पास 18 रुपीज के नियर अबाउट, हमने हमने एक बाय कर लिया। That एक सी साइड का, एक पी साइड का हमने बाय कर लिया, पी साइड का ज्यादा का प्रीमियम लिया और सी साइड के हमने एक छोटा सा प्रीमियम लिया है ताकि अगर यहाँ से पीछे की तरफ जाए तो हमें वो बचा सके, राइट। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक चलने की कोशिश करेंगे तो आपको ये इसमें समझ में आएगा कि 9:55 पे हमें क्या प्रॉफिट ये दे सकता है। 5 मिनट के हिसाब से हम यहाँ से चलते हैं और वहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे ही इसमें काम करते हो, इस पर सबसे पहले क्लिक कर दो ताकि आपके पास एक सही डिसीजंस मिल जाए, आपको चार्ट्स और प्लस जो स्टैटिक्स है वो आपको दिख सके, राइट। चलिए हमें उसके बाद 30 मिनट्स पे चलते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट पे हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमें बढ़ना है यहाँ तक के ताकि हम इसको कवर कर सकें। अगर जैसे ही ग्रीन कैंडल्स बनता है और तो सबसे पहली बात है कि हम ग्रीन कैंडल्स में निकल सकते हैं नहीं, क्योंकि ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल्स होता है हम उसका जरूर वेट करते हैं और उसके वेट करने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हमें वहां से आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, नियर अबाउट 55 तक हम आगे बढ़ेंगे यहाँ तक, राइट। 55 तक हम बनने की कोशिश करते हैं और वहां से हमें समझ में पूरा स्ट्रिक समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए हमने क्या किया, वहां से लेके यहाँ तक आया और बहुत अच्छे तरीके से हमने मूवमेंट्स को पकड़ा है और ये मूवमेंट हमारे पास आ चुका है और 9:55 से लेके 9:55 के बीच में हमारे पास जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो ये जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर आप कहोगे क्या आपने इतना प्रॉफिट जनरेट किया है एक शॉट में, मैं कहूँगा नहीं। उसका रीजन ये है, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल्स बना मैं यहाँ से बाहर निकल गया, फिर उसके बाद मुझे एंट्री लेने के लिए मैं 2 बार सोचने लगा कि यार यहाँ से लू या ना लू, लेकिन हमने इसमें एंट्री नहीं ले सका और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कैप्चर नहीं किया। तो हमारा एंट्री सिर्फ 9:40 तक ही रहा है और 9:40 में मैं आपको वो दिखा देता हूँ ये हमारा प्रॉफिट क्या रहा है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे प्रॉफिट्स थे आज, जिसकी वजह से ये फर्स्ट जो हमारा प्रॉफिट यहाँ तक रहा है। अब आगे हम चलते हैं कि आपका इस तरीके से जनरेट्स हो सकते हैं नाउ, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तभी आप इस ट्रेड्स में जाएं। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप सेलिंग कर सकते हैं, तो आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बाइंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीमियम्स कम होने की। अगर प्रीमियम्स इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, खासकर 2 बजे से पहले, जो 12:30-2 बजे से पहले अगर प्रीमियम बहुत धीरे धीरे ये इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं बन रहा है, बहुत स्लो बन रहा है, देन इशू होते हैं, आपके प्रीमियम्स लॉस्ट के बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। बट ये सारी चीज़ें हम 2 बजे के बाद करेंगे, राइट।
तो हम उसे पहले नहीं करेंगे। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स इस तरह के बनते हैं तो आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। नाउ हमारा कहाँ बना, यहाँ तक बन के तैयार हुआ और हमने क्या किया, आज नहीं लिया, फिर इस कैंडल्स में हमने एंट्री लेने की कोशिश की, यहाँ पे हम एंट्री लिया और ये यहाँ तक आया तो हमने प्रॉफिट बनाया। अच्छा राइट, चलिए हम एक्स में अब क्या करते हैं कि इस जगह पे क्योंकि ये पूरा हमारा नहीं बना तो अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस कैंडल्स में जैसे ही इस यहाँ से नीचे आया हमने यहाँ पे एंट्री बनाया और वो यहाँ तक गया है। मीन्स 1050 में यहाँ पे हमने एंट्री बनाया और ये यहाँ तक गया है, तो इस जगह पे बड़ी एंट्री बहुत अच्छा रहा है। 9:45 का यहाँ पे हमने एंट्री बनाया तो हम यहाँ पे कहाँ पे थे, 1050 पे हमने एंट्री बनाया, तो मैं यहाँ पे सीधा 1050 पे चलता हूँ और आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारा प्रॉफिट किस तरीके से बना है। राइट, चलिए सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम स्टैटिक्स में आ जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें एक्स का वाई कर लेना चाहिए। राइट, उसके बाद इसका जो सबसे नीचे वाला पिलर नियर अबाउट 5 times या भी इसमें ले रहे हैं, तो मैं इसकी बाई कर लेता हूँ 10 rupees वाला। तो इसके बाद मैं यहाँ पे नियर अबाउट 55 में जैसे ही जाते हैं, हमने क्या प्रॉफिट जनरेट किया वो आपको यहाँ पे दिखा है। तो क्योंकि एक ही कैंडल्स में हमें बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक में, तो हमारा प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। और यहाँ के बाद हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए था क्योंकि इसके बाद जो पैटर्न से इसमें जैसे एंट्री लिया यहाँ से, एक मिनट में आपको चल के दिखाता हूँ कि आपको क्या हो रहा है। राइट, इसके बाद ये आपको माइनस में ही जा रहा है तो हमने यहाँ से एंट्री एग्जिट कर लिया। तो इस तरीके से कंप्लीट सेटअप्स मूवमेंट हमें प्रॉफिट जनरेट करके दिया है और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। नाउ क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं आपसे यही कहूँगा जो सुकून वाला ट्रेड है उसमें आप मत करो, क्योंकि आपके अगर ट्रेडिंग सेशंस प्रॉब्लम्स अगर वहाँ पे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकता है। नाउ अगर आपको वो सुकून वाला ट्रेडिंग करना है तो एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस एडजस्टमेंट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दे रहा हूँ उसमें एडजस्टमेंट कैसे करना है। नाउ अगर यहाँ से नियर अबाउट मैंने एंट्री लिया था 12:30 पे हमने एक एंट्री लिया, 12:30 पे एंट्री लेने के बाद मैंने क्या देखा कि ये कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या किया, ये 12:30 का आप मैं सेटअप दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो सेटअप्स है ये भी आप इसमें कवर कर सकते हो, मैं सारा सेटअप्स कवर नहीं करूँगा ताकि आपको अपने प्रैक्टिस को भी हो सकता है, आप प्रैक्टिस जरूर करें। 12:30 में हमारा एक एंट्री था तो हमने क्या किया, इस सिमुलेशन को मैं कंप्लीट करके डिलीट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं 12:30 पे जा रहा हूँ, 12:30 का एक्सेस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 12:30 के पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। 12:30 में जाने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले पहला काम किया है मेरा, हमने एक 10 paisa वाला हमने बाय किया, फिर अगेन नीचे जाओगे तो इस साइड में भी हमने 10 paisa का जो भी था मैंने इसको बाय कर लिया है। राइट, हमने बाय कर लिया, उसके बाद हमारा जो चला गया। राइट, चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, इसको एक को मैंने सेल कर दिया और इधर भी हमने एक सेल कर दिया। राइट, तो अब यहाँ से हमने इसको यहाँ इसको मिनिमाइज किया और स्टैटिक्स में हम आ चुके हैं। राइट, इसमें हमारा टोटल जो मार्जिन लगा वो 86,406 rupees का मार्जिन लगा जो हमारे पास, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। नाउ चलिए चल के देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट सेटअप बन के तैयार है, अब हमें हम एडजस्टमेंट क्या करना है। राइट, एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ, अभी आप यहाँ पे देखोगे 12:30 पे हमें लिया, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ 12:30 और 12:35 में देखो क्या हो रहा है, मैं 12:35 में देखता हूँ क्या होगा। आप ये देखो ये माइनस में जा रहा और ये 120 बन रहा। राइट, फिर मैं 5 minutes में देखूँ तो आपको क्या हो रहा है, ये 800 और ये 600। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये कैंडल्स ऊपर की तरफ मूवमेंट्स कर रहा है और उसके साथ ही ग्रीन कैंडल्स रेड कैंडल्स भी बनते जा रहे हैं, रेड लॉस बनता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे 600 से 500 से ऊपर जा रहा है सबसे पहले इस लाइंस को हमें क्लोज कर देना है। अब क्योंकि ये मूवमेंट ऊपर जा रहा है
तो हमें इस मूवमेंट को जाने देना है। अब मैं क्या करूँ, चलिए 5 मिनट्स पे साथ में चलते हैं, उसके 5 मिनट्स और साथ चलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, दिख रहा है कि ये इस मूवमेंट्स को पकड़ रहा है और ये जा रहा है कहाँ, 1250 तक का, राइट। 1250 हम आ गए, एक 5 मिनट्स का और ऊपर आगे जाते हैं, तो हमारे पास ये कंप्लीट रूप से सेटअप बन के तैयार है। अब हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ से नीचे आना चाहिए था, नहीं। और यहाँ से मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये यस इसमें आना चाहिए, बट हमने थोड़ा सा और वेट किया कि मुझे लगा ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो चलो एक बार हम वेट करके देखते हैं आगे क्या होता है। है 1 बज रहा है, फिर हमने इसमें थोड़ा सा वेट किया और 5 मिनट्स हुआ, फिर उसके बाद मैंने वेट किया, ये ऊपर की तरफ से आना शुरू कर दिया है, फिर ये हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना के दिया, राइट। उसके बाद ये लगातार इस तरीके से प्रॉफिट हमें दिया है। चलिए यहाँ पे 15 मिनट का देखते हैं, फिर मैं यहाँ पे 15 मिनट का और ले ले रहा हूँ, नियर अबाउट ये हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 12:35 45 पे आ चुके हैं। तो इसके बाद नीचे की तरफ आया है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एग्जिट कर दिया, और किसको एग्जिट किया, इस वाले को। अब हम यहाँ पे इसको ब्लॉक कर, तो आप अगर देखोगे तो मैंने क्या किया, इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया। अब हमारे पास कोई भी सेल नहीं है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे जाके एक नया सेटअप फिर से शुरू किया, और वो क्या किया, नीचे की तरफ में जाने वाला, दैट मीन्स हमने सी वाला बाइक फिर से कर लिया। अब यहाँ पे 100 वाले में जाएं, और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो सी साइड्स का यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे, जो कि आपको करने चाहिए, और सी साइड का हमने किया, यहाँ पे सेल कर दिया। और सेल करने के बाद मैं पीछे जा रहा हूँ, और फिर इस जगह पे, क्योंकि आप जब 5 मिनट पे कैंडल्स पे काम करते हो तो आपको सब कुछ दिखता है कि ये नीचे अब जा रहा है, एक कैंडल्स पर ना दूसरा नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ तक तो जरूर जाते थे, 1255 तक हम जाते हैं, राइट। 155 पे गया और ये 155 पे आ गया। चलिए एक और हम चलते हैं, तो नियर अबाउट हमें यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या किया, इसी जगह पे फिर से मैं देख रहा हूँ ये ऊपर की तरफ में गया, दूसरा कैंडल से ऐसे जाना, ये ऊपर की तरफ गया, तो हमें लगा कि नहीं यहाँ तक हम 3 बजे तक, 12:45 दिखता है, 2:45 नियर अबाउट हमें यहाँ तक जाना चाहिए, उसके बाद नीचे की तरफ आएगा, जो ज़्यादातर दिख रहा है हमने वही किया है, और 2:45 तक हमने वेट किया नियर अबाउट ऊपर की तरफ। तो हमने क्या किया, इस सिमुलेशन को भी जो सी वाला है हमने उसको डिलीट कर दिया, राइट, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और क्या किया, हमें क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स पी को हमें सेल करना है। हमने क्या किया, अब ये सारी चीज़ें आपको करने पड़ेंगी थोड़ा सा। मैंने फिर इसको सेल कर दिया, और सेल करने के बाद फिर मैं सो में गया हूँ, और ली इसको 245 टू यहाँ तक, राइट, 50 तक मैं चाहूँगा, उससे अच्छा है कि सीधा चले इस पर, 245 तक आ चुके हैं नियर अबाउट, ये इतना का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ से हम नीचे, क्योंकि 45 के बाद मैंने ज़्यादातर देखा है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, और आपको एक लास्ट में 15 के बाद थोड़ा ऊपर आता है, तो आपको हम दोनों चीज़ को कैप्चर करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको हमने बंद कर दिया, इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से जो नीचे की तरफ आ रहा है तो हमने सी को बाय किया। चलिए 100 में देखते हैं, यहाँ पे 100 पे क्लिक करते हैं, 100 पे क्लिक करने के बाद हम एक क्या करेंगे, पी साइड का, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो सी साइड का हमें एक बाय कर लेना है, राइट। हमने सेल करना है, यहाँ पे हमें सेल करना है, और सेल करने के बाद हमें 3 o'clock तक जाना है, तो चलिए हम 3 o'clock तक सीधा 5 मिनट पे चलते हैं, अगेन 5 मिनट पे चलते हैं, फिर 5 मिनट पे चलते हैं, तो हमारा ये कंप्लीट सीरीज बन के तैयार हो जा रहा है। तो इस तरीके से बन रहा है, और हमें यहीं पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया है। तो अब 10, उसके बाद हमने क्या किया, इसको जाने दिया कहाँ तक, यहाँ तक जाने दिया, फिर उसके बाद मुझे लगा यहाँ से नीचे के जाएगा, नहीं, ये कैंडल जैसे ही बना मैंने फिर एक पी बाय सेल कर दिया है। नाउ अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने फिर किया, इसको कैंसिल किया, फिर 100 में जाओगे तो आपको यहाँ से मुझे
सी इस पी साइड का हमें एक सेल कर देना है। सेल करने के बाद मैं फिर से हाइड कर दे रहा हूँ, और हाइड करने के बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ से लेके आपको यहाँ तक, राइट 20 तक, 25 तक चलते हैं सीधा, 5 मिनट, अगेन 5 मिनट्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शायद अच्छा खासा जो भी प्रॉफिट हुए हैं, तो प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यही तरीका हमने अपनाया और इस तरीके से हमने कुछ अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। तो बेस्ट तरीका हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि हम इसमें कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली मैंने आपसे ये कहा कि ये चीजें आप, ये फैशन जो भी हमने इसमें किया है आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, आपके भी प्रॉफिट्स इसमें जरूर बनेंगे। और सेम चीज मैंने आपको यही कहा कि निफ्टी जिस तरह से पैटर्न्स दिखाता है, सिमिलरली सेंसेक्स भी उसी तरह से पैटर्न दिखाता है। कल हो सकता है निफ्टी में जिन लोगों ने आज प्रॉफिट जनरेट किया होगा उसी तरह से सेंसेक्स में कल आपके प्रॉफिट जनरेट होंगे। तो आपको क्या करना है आपको शायद समझ में आ गया होगा। और सेंसेक्स चूंकि हमेशा इसमें मूवमेंट्स बहुत अच्छा खासा रहते हैं, और आज हमने जो भी मूवमेंट पकड़ने की कोशिश किया वो सेम मूवमेंट्स आप कर भी पकड़ सकते हो। अगर मैं इसमें सिमुलेशंस में जाऊं, आपको ये भी मैं दिखा देता हूं कि टोटल हमने सिमुलेशंस कितना बाय किया, कितना सेव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 रख लो, अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर करना पड़े तो 10, और चलो 15 रख लेता हूँ, 15 × 15 को डिवाइड कर देता हूँ, नियर अबाउट 15 × 30 कर लो, 15 × 30 नियर अबाउट 450 आगे चले जाएंगे और आपके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको काम करने हैं और आपके पैसे जरूर बनेंगे। तो बेस्ट तरीका मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश किया और आपको ये भी बताने की कोशिश किया किस तरीके से काम करने हैं। नाउ नेक्स्ट आपको मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे कि हमने एक पूरा कंप्लीट चार्ट बनाया और इस चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मिड कैप बैंक एक्स और मंडे को होता है, फिर निफ्टी ट्यूजडे को एक्सपायरी होता है, बैंक निफ्टी वेडनेसडे को, निफ्टी थर्सडे को, सेंसेक्स फ्राइडे को, इस तरीके से आपको इसमें काम करने चाहिए तभी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। हमने आपको पूरे अच्छे तरीके से बताया कि बिग मनी कैसे कमाना है। नाउ अगर ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लगता है तो जरूर से आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एक्चुअली मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि लास्ट 1 वीक से हमने कोई वीडियोस नहीं डाला, उसका रीजन ये था कि लास्ट 1 वीक से हम लोग वैकेशन पे थे और बहुत ज़्यादा वैकेशन को हम लोगों ने इन्जॉय किया विद फैमिली। नाउ अगेन बैक टू होम वर्क और आज हम आपके साथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन 1 वीक के अंदर में मैंने बहुत कुछ वॉच किया, जज किया, और इसमें मैंने ये भी देखा कि लोग व्यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोस को, बट लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बंद दबाएं ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक्स अ लॉट।